तो फाइनली मैंने अपने गेम में पुलिस स्टेशन को ले लिया और पुलिस स्टेशन को एंजॉय करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। आप लोगों को पता है कि पुलिस स्टेशन को ऐसे ले सकते हैं और अपने गेम में पुलिस स्टेशन की लोकेशन क्या होने वाली नहीं पता तो आज की वीडियो में बताने। फाइनली मैंने निसान जीटीआर कार को ले लिया और निसान जीटीआर कार को भी एंजॉय करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो इसका चीट कोड नंबर भी बताने बिगी रूप लिंक के पास जाओगे और आईजी चूल में ये चीट कोड नंबर डायल करोगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बिगी रूप लिंक को ड्राइव कर पाओगे एंड कुछ इस प्रकार से। और बिगी रूप लिंक को ड्राइव करने में काफी ज्यादा मजा आता है। तो काफी लोगों को वो चीट कोड नंबर नहीं पता तो आज की वीडियो में बताने वाला बिगी रूप लिंक को कैसे ड्राइव कर सकते हो। अभी तक जेसीबी का चीट कोड नंबर किसी ने भी नहीं बताया और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक नहीं देखते हो इस वजह से आप लोगों को अपने गेम में न्यू जेसीबी का चीट कोड नंबर अभी तक नहीं पता चला है। तो आज की वीडियो में काफी ज्यादा न्यू चीट कोड नंबर लेके आ चुका हूं और अपने गेम में अब न्यू पुलिस स्टेशन की लोकेशन भी लेके आ चुका हूं। तो एक एक करके मैं आप लोगों को चीट कोड बताता हूं, तो चीट कोड लिख भी सकते हो या फिर याद भी कर सकते हो। बाकी आप लोगों को मैं एक एक करके चीट कोड बताता हूं, आप लोग जैसे मैं करता हूं वैसे वैसे करना एंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो बिना किसी देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। फिर से और आज की वीडियो होने वाली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को अपने गेम में न्यू चीट कोड नंबर बताने वालों, साथ ही में आप लोगों को बताने वालों पुलिस स्टेशन की लोकेशन जहां पे आप लोगों को जाके अपने गेम में पुलिस स्टेशन देखने को मिलने वाला। और काफी लोगों को तो अभी अपने गेम में पुलिस स्टेशन की लोकेशन नहीं पता है, तो आज की वीडियो को देखने के बाद उनको अपने गेम में पुलिस स्टेशन की लोकेशन पता चल जाएगी और आप लोगों को पुलिस स्टेशन अंदर से भी दिखाने वालों, अंदर से भी किस तरह से अपने गेम में सर ने ऐड करा। साथ ही में आप लोगों को ये भी दिखाने वालों अपने गेम में जो बिगी रूपलेन देखने को मिलता है उसको ड्राइव कैसे करना है, आखिर उसका जो चीट कोड नंबर है क्या होने वाला है और निसान जीटीआर कार का भी चीट कोड। जी हाँ गाइस, आ गया तो वो चीट कोड नंबर भी आप लोग जानने के बाद खुद से मारा नाचने वाले हो। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ अपने गेम में किस तरह से आप लोग अपनी न्यू जेसीबी को ले सकते हो और जेसीबी का चीट कोड नंबर भी काफी लोगों को नहीं पता है। तो चलो मैं आप लोगों को अपने गेम में जल्दी से जेसीबी का चीट कोड नंबर बता दूं, लोगों को नहीं पता है तो आप लोग अपने गेम में जेसीबी का चीट कोड नंबर लिख भी सकते हो या फिर याद भी कर सकते हो, बाद में आप लोग कमेंट करके मत बोलना। तो एक एक करके मैं आप लोगों को चीट कोड नंबर बताता हूं एंड आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया। सबसे पहले मैं आप लोगों को चीट कोड बता रहा हूं जो कि अपने गेम के डेवलपर से मेरे को पता चले, कई खग बनता है। इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो। इस वीडियो को देखने के बाद अपने गेम में पुलिस स्टेशन की लोकेशन पता चल जाएगी और अपने गेम में जेसीबी का और बिग एरोप्लेन को भी ड्राइव कर पाओगे। और निसान जीटीआर कार का चीट कोड तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूं और अपने गेम में जैसे चीट कोड नंबर डायल करता हूं वैसे वैसे आप लोगों को भी डायल करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने गेम में बिग एरोप्लेन देखने को मिलता है वो अपने बिग एरोप्लेन को कैसे ड्राइव कर सकते हैं, आखिर उसका जो चीट कोड नंबर है वो क्या होने वाला है। तो अपने गेम में बिग एरोप्लेन को तुमको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने गेम में बिग एरोप्लेन के पास पहुंच जाना है। एंड जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं अपने गेम में जो सर हमारे जो गेम के डेवलपर है उन्होंने फाइनली बिग एरोप्लेन को ऐड कर दिया, बट मैं आप लोगों को बता दूं बिग एरोप्लेन का चीट कोड नंबर देखने को नहीं मिलते। हालांकि हम लोग एक चीट कोड नंबर डायल करके अपने गेम में बिग एरोप्लेन का सीक्रेट डोर को ओपन कर सकते हैं। तो वो चीट कोड नंबर आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को अपने गेम में बिग एरोप्लेन का सीक्रेट डोर ओपन करके दिखा देता हूं। और अपने गेम में जैसे अपने बिग एरोप्लेन का सीक्रेट डोर ओपन करूंगा वैसे वैसे तुम भी करोगे, तुम भी अपने गेम में बिग एरोप्लेन का सीक्रेट डोर ओपन कर लोगे एंड अपने गेम में बिग एरोप्लेन को इसी तरीके से ड्राइव कर पाओगे। अगर मैं आप लोगों को अपने गेम में वो चीट कोड नंबर जल्दी से दिखा देता हूं अगर कौन सा चीट कोड नंबर डायल करके आप लोगों के अपने गेम में सीक्रेट डोर ओपन होता है तो वो सीक्रेट चीट कोड होने वाला आईजी टूल का। आईजी टूल में आप लोगों को कौन सा चीट कोड नंबर डायल करना है जिसकी वजह से आप लोगों का सीक्रेट डोर ओपन होने वाला है, तो सबसे पहले आप लोगों को इसके पास में आ जाना एंड बिग एरोप्लेन देखे तक तो काफी ज्यादा बिग देखने को मिल जाता है। तो हम लोग इसका सीक्रेट डोर ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट, अभी मैं आप लोगों को वो चीट कोड नंबर बताने से पहले मैं आप लोगों को अपने गेम में एक छोटी सी ट्रिक को बता देता हूं। ट्रिक के देखने के बाद हम लोग अपने गेम में निसान जीटीआर कार का चीट कोड और जेसीबी का चीट कोड और पुलिस स्टेशन की लोकेशन भी देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है, वीडियो को स्किप करोगे तो काफी ज्यादा सीक्रेट चीट कोड मिस कर दोगे। ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले एक बाइक को स्पॉन करवा लें, जैसे कि मैंने अपने गेम में एक बाइक को स्पॉन करवा लिया एंड इस ट्रिक को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि अगर आप लोग ट्रिक को ध्यान से देख ले तो इस ट्रिक में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद आप लोगों को अपने गेम में ये चीट कोड नंबर लगाना है मून ग्रेविटी का, जैसे कि मैंने लगा लिया। उसके बाद आप लोगों को अपने गेम में डायल करना है 5129 एंड 5129 डायल करने के बाद आप लोगों के गेम में अपने इनफिनिट हेल्थ भी हो जाएगी। एंड उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को अपनी बाइक में रेस दे देनी है एंड बिल्कुल फुल्ली रेस देनी है, आप लोगों को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मारनी है। एंड जैसे कि मैं अपने गेम में रेस देता जा रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आप लोगों की बाइक उठने लग जाएगी। एंड उसके बाद अब आप लोगों को बिल्कुल पीछे लेना है, मतलब आप लोगों को ब्रेक नहीं मारना, बिल्कुल सीधा डायरेक्टली पीछे वाले पे क्लिक करके अपनी बाइक को दोबारा सबसे पीछे की साइड लेना है। एंड इसी तरह से आप लोगों को अपने गेम में पीछे की साइड लेना है एंड जैसे कि मैं ले रहा हूं, ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को अपने गेम में पीछे की साइड लेना है बाइक को। एंड जैसे कि मैं ले पा रहा हूं ऐसे ही आप लोगों को बिल्कुल भी पीछे लेते चले जाना है। एंड उसके बाद आप लोगों को जितनी मतलब इतनी तरह से रेस हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को एकदम उतर जाना है और जैसे आप लोग उतरोगे आप लोगों का जो करेक्टर है वो गुलेल बन जाएगा, इस तरह से जाएगा। एंड काफी ज्यादा यूनिक ट्रिक है, तो आप लोग अपने गेम में ट्राई करोगे तो आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा और काफी ज्यादा यूनिक भी लगती है। अपने न्यू चीट कोड आप लोग देख लो और जैसे मैं अपने गेम में चीट कोड स्पॉन करता हूं वैसे वैसे तुम भी अपने गेम में स्पॉन करना, बाद में कमेंट करके मत बोलना कि मैंने आप लोगों को चीट कोड नंबर नहीं बताया। उन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक मार दो, मैंने आप लोगों के लिए 2K लाइक का टारगेट का और आप लोगों के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है, लाइक मार दो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। और अभी पहले मैं तुमको बताऊंगा अपने गेम में निसान जीटीआर कार को कैसे ले सकते हो और निसान जीटीआर कार का चीट कोड नंबर क्या होने वाला है। तो यार आप लोग मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे अपने गेम में निसान जीटीआर कार को कैसे ले सकते हैं
और निशान जीटीआर कार को अपना चीट कोड नंबर क्या होने वाला है। गेम के डेवलपर फाइनली उन्होंने निशान जीटीआर कार को ऐड कर दिया है और उन्होंने बोला कि अपने गेम में एक निशान जीटीआर कार का न्यू मॉडल अभी अभी मुझे मिला है। तो यार आप लोगों को अपने गेम में निशान जीटीआर कार कुछ इस तरह से देखने को मिलने वाली है और इसका जो चीट कोड नंबर है वो आप लोगों को आगे बता दूंगा। मैं बता दूं अपने गेम में जो पुलिस स्टेशन है उसकी लोकेशन क्या होने वाली, आखिर उसकी जो लोकेशन है वो आप लोगों को कहां पे पुलिस स्टेशन देखने को मिलने वाला है। तो चलो मैं आप लोगों को अपने गेम में पुलिस स्टेशन की लोकेशन दिखाता हूं और अपने गेम में जैसे मैं अपने पुलिस स्टेशन पे जाने वाला हूं वैसे वैसे आप लोगों को भी जाना है और आप लोगों को जो पुलिस स्टेशन है वहां पे आप लोगों को जाके देखने को मिलने वाला है। तो आप लोगों को यहां पे न्यू घर देखने को मिलेगा और आप लोगों को इधर की साइड जाना है जैसे कि मैं अपने गेम में पुलिस स्टेशन की साइड जा रहा हूं, ठीक है। वैसे वैसे अगर आप लोग भी जाओगे तो आप लोगों का जो पुलिस स्टेशन है वो देखने को मिलने वाला है। तो पहले आप लोगों को इस जगह पे आ जाना है एंड इस जगह पे आने के बाद ये प्लेन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्टेशन है वो काफी ज्यादा यूनिक तरीके से देखने को मिल जाता है और देखिए तक तो कितना ज्यादा अमेजिंग देखने को मिला और आप लोगों को यहाँ पे कितनी कितना बड़ा पार्किंग प्लॉट भी देखने को मिल गया है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं अभी गेम के डेवलपर गेम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो इसके अंदर सर ने बोला है कि अपने गेम में यहाँ पे आप लोगों को पुलिस कार देखने को मिलेगी लैंड बारिश है जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे व्हाइट व्हाइट लाइन देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर आप लोगों को पुलिस कार देखने को मिलेगी अगर आप लोग पुलिस स्टेशन में आओगे तो। अपने गेम में आप लोगों को मैं बता दूं अपने गेम में पुलिस स्टेशन के अंदर से हम लोग अभी नहीं दिखा सकता मैं आप लोगों को। जो पुलिस स्टेशन रहेगा वो आप लोगों को डबल बिल्डिंग देखने को मिली है और दोनों ही बिल्डिंग के अंदर आप लोग जा पाओगे एंड पुलिस स्टेशन के अंदर आप लोगों को जेल देखने को मिलेगी कुछ इस प्रकार से। बाकी इस प्रकार से आप लोगों को अंदर तो कोई कैदी देखने को नहीं मिलेगा, अपने गेम में आप लोगों की कैदी रहोगे। लोगों को मैं बता दूं इंडियन बैक्टर के जो गेम के डेवलपर है उन्होंने बोला कि अपने गेम में जो पुलिस स्टेशन पुलिस रहेगी अब आप लोगों को सीधा जैसे पुलिस गोली से मारती है वो इस तरह सबके नहीं मारेगी। आप लोग अपने गेम में किसी को मारोगे तो आप लोगों की जो पुलिस है वो आप लोगों को आके मार देती है, लेकिन इस वाली न्यू अपडेट में आप लोग जैसे कोई पुलिस को मारोगे तो आप लोगों की जो पुलिस आएगी और जेल में ठाके ले जाएगी और आप लोगों का जो गेम है फिर जेल से स्टार्ट होया करेगा, ठीक है। तो इस वाली न्यू अपडेट में आप लोगों को ये भी फीचर देखने को मिल सकता है और अपने जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर जिन्ने वगैरह भी रखा गया और अपने गेम में जेल भी रखी गई है तो वो अभी हम आप लोगों को दिखा नहीं सकता क्योंकि अपने गेम के डेवलपर अभी अंदर से पूरा वर्क कंप्लीट नहीं कराया, ठीक है। साथ में आप लोगों को अपने गेम में बिग एरोप्लेन को भी ड्राइव करके दिखा देता हूं और बिग एरोप्लेन का चीट कोड नंबर भी जल्दी से बता देता हूं। बिग एरोप्लेन को ड्राइव कर सकते हो और अपने गेम में किस तरह से जेसीबी को ले सकते हैं। तो यार मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं तो जेसीबी को कैसे ले सकते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं फाइनली हमारे गेम में जेसीबी तो ऐड हो चुकी है और जेसीबी को आप लोग यहां पे देख भी पा रहे होंगे और जेसीबी को एंजॉय करने में मुझे काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है और जेसीबी का चीट कोड नंबर बता देता हूं। तो हमारे जो गेम के डेवलपर है उनकी तरफ से ये जो चीट कोड नंबर आया है जेसीबी का चीट कोड उन्होंने बोला है कि अपने गेम में आप लोगों का रहेगा 60 और 90। आप लोग जैसे ही डायल करोगे आप लोगों की जेसीबी स्पॉन हो जाएगी बट मैं आप लोगों को बता दूं अभी तक जेसीबी स्पॉन नहीं हुई है क्योंकि अपने गेम के डेवलपर अभी गेम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अपने न्यू अपडेट में आप लोगों के यही चीट कोड रहेगा तो इस चीट कोड से आप लोगों की जो जेसीबी स्पॉन होने वाली है। तो मैं आप लोगों को बता दूं हमारे गेम के डेवलपर फाइनली जेसीबी को ऐड कर दिया और उसका जो चीट कोड नंबर रहेगा उसको बता भी दिया और आप लोगों को बता दूं जैसे आप लोग अपना न्यू अपडेट करोगे वैसे ही चीट कोड नंबर डायल करके जेसीबी स्पॉन हो जाया करेगी। अभी आप लोगों को बता दूं न्यू अपडेट को कैसे करना है वो आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले बता देता हूं बिग एरोप्लेन को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो बिग एरोप्लेन को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले इसके पास में आ जाना है एंड उसके बाद आप लोगों को अपने गेम में डायल करना है 090। इस तरह से आप लोगों का जो मोस्टर ट्रक है वो आ जाएगा। उसके बाद उसके अंदर बैठने के बाद आप लोग अपने गेम में इस तरह से बिल्कुल लगा देना जैसे कि मैंने इसको लगा दिया बिल्कुल इससे भिड़ा के, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अपने गेम में जैसे आप लोग इधर की साइड घुमा के देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा बिग एरोप्लेन को तो अंदर सामान रखा हुआ है। तो यार आप लोग एक कमेंट आ रहे थे बिग एरोप्लेन का बहुत ज्यादा अंदर सामान रखा हुआ है तो बिग एरोप्लेन को हम लोग क्यों नहीं ड्राइव कर पा रहे। तो यही मैंने क्वेश्चन सर से पूछा कि सर अपने गेम में बिग एरोप्लेन के अंदर तो सामान रखा हुआ है तो हम लोग उसका ड्राइव करने का क्यों नहीं ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सर ने बोला कि अपने गेम में बिग एरोप्लेन इसलिए मैंने ऐड कराया कि आप लोगों को अपने गेम में एयरपोर्ट पे आने के बाद ये लगे कि अपने गेम में हम लोग एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और बड़े बड़े आप लोगों को प्लेन देखने को मिल जाए। और मैं आप लोगों को बता दूं अपने गेम में ऑलरेडी एक प्लेन देखने को मिलता है जिसका चीट कोड 55 डायल करके आप लोग स्पॉन कर सकते हो और अपने गेम में एक सेकंड चीट कोड है और साथ ही अपने गेम में जैसे आप लोग अपने गेम में 8000 डायल करोगे तो अपने गेम में फिर एक आप लोगों को एक हेलीकॉप्टर देखने को मिल जाएगा जो कि इस वाले अपडेट में आया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं इस वाले अपडेट में भी एंड इससे अगले अपडेट में भी आप लोगों को ऐसा कोई भी बिग एरोप्लेन को ड्राइव करने का चीट कोड नंबर देखने को नहीं मिलेगा। बट सर ने बोला कि अगर ऑडियंस की रिकमेंड रहेगी तो मैं अपने गेम में बिग एरोप्लेन को भी उड़ाने का चीट कोड नंबर बना सकता हूं। कमेंट करके बताओ न्यू अपडेट में आप लोगों को बिग एरोप्लेन को भी ड्राइव करना है तो आप लोग अगर जितने ज्यादा कमेंट कर दोगे बिग एरोप्लेन ओपी तो मैं आप लोगों को इस वाली न्यू अपडेट में बिग एरोप्लेन को भी उड़ाने का ऑप्शन चीट कोड नंबर बता दूंगा सर है वो उसको क्रिएट करवा दूंगा और आप लोगों के कमेंट ज्यादा रहेंगे तो आप लोग जल्दी से लिख दो बिग एरोप्लेन ओपी मैंने तो लिख दिया। आप लोगों को मैं बता दूं इंडियन मैग्नेट के अंदर न्यू अपडेट कब तक देखने को मिलेगा और न्यू अपडेट की डेट क्या होने वाली और अपने न्यू अपडेट में क्या क्या न्यू आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो इस वाले न्यू अपडेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तो न्यू जेसीबी जो कि मैंने आप लोगों को कंट्रोल दिखा दिया एंड उसको मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया है। इस वाले न्यू अपडेट में आप लोगों को एक जेसीबी देखने को मिलेगी और साथ ही आप लोगों को एक निशान जीटीआर कार एंड जिसको मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया एंड साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं इस वाले अपडेट में आप लोगों को पुलिस स्टेशन और अपने गेम में बिग एरोप्लेन को भी ड्राइव कर पाओगे। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं इस वाले अपडेट में गेम के डेवलपर ये भी सोच रहे हैं अपने गेम में एक पिकअप को ऐड करने के बारे में और साथ ही ये भी बता दूं इस वाले अपडेट में एक न्यू रेन मोड भी आ सकता है आप लोगों का 50% अभी उस पर चांसेस है। अभी आप लोगों को मैं बता दूं जो गेम के डेवलपर है गेम के ऊपर वर्क करें तो कौन सी चीज को
अभी वे ऐड कर रहे हैं। तो अपने गेम में अभी जो गेम के डेवलपर है वो अपने गेम में अपने पुलिस स्टेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं और पुलिस स्टेशन को अच्छे से मॉडिफाई करके बना रहे हैं आप लोगों के लिए। और आप लोगों को अपने न्यू अपडेट में पुलिस स्टेशन कंफर्मली कंप्लीटली देखने को मिलेगा। बाकी की मैं आप लोगों को बता दूं, सेकंड वीडियो में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि सेकंड वीडियो में निशान जीटीआर का चीट कोड नंबर आने वाला है, तो वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। अभी तो अपने गेम के डेवलपर गेम के ऊपर वर्क कर रहे हैं और उनकी तरफ से अपने गेम में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने उनसे जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। और आने वाला अपडेट में आप लोगों को बता और आने वाले जो अपडेट है वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो आने वाला जो अपडेट रहेगा वो आप लोगों का रहेगा फरवरी में, और फरवरी के 5 से 3 के बीच में आप लोगों को न्यू अपडेट देखने को मिल जाएगा। या फिर सर ने बोला कि अगले महीने आप लोगों को पक्का न्यू अपडेट देखने को मिलने वाला है। और अपने इंडियन बैक्टीरिया के गेम के डेवलपर में अभी तो कुछ इतनी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब मार देना। मिलते हैं आप लोगों से फिर सेकंड वीडियो में, सेकंड वीडियो के लिए काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब करने से आप लोगों को ही फायदा होता है और आप लोगों को काफी ज्यादा न्यू चीट कोड नंबर मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में, जब तक लेते हैं गुड बाय, टेक केयर।